आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज मैं आपको हलवाई के जैसे चक्का दही जमाने बताऊंगी कि चक्का दही कैसे जमाई जाती है। अक्सर देखा है कि घरों की दही जो वो पानी छोड़ देती है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल चक्का दही जमाने बताऊंगी। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज्वाइन करना और बेल बटन दबाना। यह हमने आधा लीटर दूध लिया है जिसकी हम दही जमाएंगे, तो अब इसको पहले हम उबाल लेते हैं। हमने दूध उबलने के लिए रख दिया है, 5 मिनट में हमारा दूध उबल जाएगा। उबलने के बाद भी हमें ये धीमी गैस पर 5 मिनट तक उबालना है। दूध में उबाल आ चुका है, हम इसलिए इसको चला रहे हैं जिससे हमारा दूध निकले ना या जिससे तली में लगे ना। धीमी गैस पर हम इसको 5 मिनट तक उबलने देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, हमारा दूध पूरी तरह से उबल चुका है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है, अब मैं आपको बताती हूँ कि दही कैसे जमाई जाती है। हमारा दूध ठंडा हो चुका है, लेकिन हमें पूरा ठंडा नहीं करना है, बिल्कुल सील गर्म सा दूध रखना है। सर्दियों में जो हम दही जमाते हैं उसमें थोड़ा सा चटक रखते हैं, और लेकिन गर्मियों में थोड़ा सा ही बिल्कुल सील गर्म रखना है। हमने एक खाली गिलास ले लिया है, इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल देते हैं और आधी चम्मच दही, ये डालकर हम ऐसे मिला लेते हैं। दूध दही मिल चुका है, अब ये हम इसके अंदर डाल रहे हैं और बाकी दूध भी इसके अंदर ही डाल देते हैं। अब इसको हम 3 घंटे के लिए ढक्कर रख देते हैं। गर्मियों में तो हमारी दही 2-3 घंटे में ही जम जाती है, लेकिन सर्दियों में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए हम सर्दियों में थोड़ा सा तो चटक दूध लेंगे और थोड़ा सा दही भी ज़्यादा लगाएंगे। जो हमने गिलास में दूध लेकर दही मिलाई थी तो वो थोड़ी ज़्यादा डालें, और इसको कपड़े से ढक्कर रखें। आप पोटकेस के अंदर भी रख सकते हैं, आप माइक्रोवेव में भी रख सकते हैं, आप वैसे कपड़े से ढककर भी रख सकते हैं, तो आपकी दही बहुत अच्छी जमेगी। 3-4 घंटे हो चुके हैं, हमारी दही जम चुकी है। अब हम देखते हैं, ये देखिए कितनी चक्का दही जमी हुई है। यदि आप मिट्टी के बर्तन में जमाएंगे तो ये और ज़्यादा टाइट होगी, इसलिए आप दही को इसी तरीके से जमाइएगा और दही का आनंद लीजिएगा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ। धन्यवाद।